साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट टू, इसका लेसन नंबर टू, दैट इज लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्वेश्चन बैंक फ्रॉम दिस लेसन. तो फर्स्ट वन क्या है, क्वेश्चन वन ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर सेवन तक लेसन वन का था, एट से ऑन एट ऑनवर्ड्स इज फ्रॉम लेसन टू. तो क्वेश्चन नंबर एट क्या दिया है, प्रोटीन इज लोकेटेड, प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स इज डैश. तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, OCN. इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 में दिया हुआ है, यू कैन सी. सो विच प्रोटीन इज लोकेटेड इन बोन्स, यहाँ पे दिया है बोन्स, OCN. फिलअप नाइन्थ फिलअप, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH2. तो आंसर है विटामिन B3. इसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 17 में दिया हुआ है, यहाँ पे FADH2 एंड NADH2 आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेप्स साइकिल. विटामिन्स लाइक राइबोफ्लेविन, दैट इज विटामिन B2, एंड निकोटिनामाइड, दैट इज विटामिन B3, रिस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन. तो इसमें क्या दिया है कि FADH2 को सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन B2, और NADH2 को सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन B3. और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में नाइन्थ वाले में क्या पूछा है, NADH2. तो NADH2 को सिंथेसाइज करने के लिए क्या चाहिए, विटामिन B3. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए, विटामिन B3. फिलअप्स टेंथ फिलअप डैश सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस. तो माइटोसिस में कौन सा सेल डिवाइड करता है, तो आंसर है सोमैटिक और स्टेम. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी, दैट इज बोथ ए एंड सी. तो ए सोमैटिक और सी जो स्टेम सेल है, बोथ सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, दैट इज गिवन इन पेज नंबर 17 ओवर हियर. इट इज गिवन माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी. 11th fill-up, the first step of chirokinesis is dash. The correct answer kaunsa hai? Prophase. This is given in page number 18. Chirokinesis is completed through 4 steps. The first step kaunsa hai? Prophase. 12th fill-up, dash is not a part of mitosis. तो इसमें ऑप्शंस एनाफेज, डिप्लोटिन, प्रोफेज और साइटोकाइनेसिस दिया है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी, डिप्लोटीन. तो डिप्लोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस. यू कैन सी ओवर हियर, माइटोसिस में काइरोकाइनेसिस में आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस भी आता है, लेकिन डिप्लोटीन नहीं आता है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, 12th का, डिप्लोटीन. 13th फिलअप, वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स. तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 16 में दिया है, वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स. 14th फिलअप, इन ह्यूमन्स देर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स. ये 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो कितना पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम. इफ़ यू डोंट रिमेंबर, नेक्स्ट लेसन में भी ये दिया हुआ है, यू कैन सी इन दैट ऑल्सो. सो इन ह्यूमन्स देर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम. तो ऑप्शन बी है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स. 15th फिलअप, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डैश हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 12. ये जो आंसर है वो पेज नंबर 13 में दिया है टेक्स्ट बुक का. यहाँ पे कैन यू टेल में दिया पूछा है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर. तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना हाइड्रोजन एटम्स है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलता है कि इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना हाइड्रोजन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम. तो आंसर क्या आएगा, 12. अगर समझो क्वेश्चन में पूछा कितना कार्बन एटम्स है, तो 6 आएगा. और अगर पूछा कितना ऑक्सीजन एटम है, तो वो भी 6 आएगा. अभी यहाँ पे क्या पूछा है, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डैश हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. तो आंसर क्या रहेगा, 12. सो देर आर 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन molecule of glucose. 16th fill-up, of the following dash is called the energy currency. तो correct answer कौन सा है, option D, ATP. ये page number 14 में दिया हुआ है, यहाँ पे green box में. ATP is called as energy currency of the cell. Next fill-up, that is 17, the cyclic reaction tricarboxylic acid cycle was discovered by dash. तो इसका answer है option B, Sir Hans Krebs. यहाँ पे spelling wrong दिया है, H A N S है.
तो सर हैंस क्रेब इज़ द वन हु डिस्कवर्ड द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 में दिया है. द साइक्लिक रिएक्शन ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाई सर हैंस क्रेब्स. 18th, fill up an enzyme Rubisco is the most abundant type of dash in nature. तो correct option क्या है? Protein. That is given in page number 16. ये purple box में दिया है. An enzyme Rubisco present in the plant chloroplast is most abundant protein. Blank में क्या आएगा? Protein found in nature. चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है वो लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 19 तक की है. 19 में क्या पूछा? अ डिप्लॉइड सेल हैज डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? 46. प्रीवियसली फिलअप 14th में वी हैड व्हाट वाज गिवन ओवर हियर. इन ह्यूमंस देर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. तो कितना पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स. पेयर्स का मतलब क्या है? जोड़ी, यानी डिप्लॉइड सेल. ह्यूमन बॉडी में डिप्लॉइड सेल में कितना क्रोमोसोम है? 23 का डबल कितना हो गया? 46. क्योंकि यहाँ पे जोड़ी दिया है, 23 जोड़ी ऑफ क्रोमोसोम्स. तो अगर पेयर्स निकाल दिया तो उसमें कितना क्रोमोसोम रहेगा? डबल, 46 क्रोमोसोम. ये यंगर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुका है. सो अ डिप्लॉइड सेल हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्वेश्चन 1B, मैच द फॉलोइंग. तो मैच द फॉलोइंग में खाली सेकंड क्वेश्चन ही है. तो फर्स्ट वन क्या पूछा? विटामिन ए. विटामिन ए के वजह से अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रहेगा तो कौन सा डिजीज होता है? तो विटामिन ए का क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस. तो नाइट ब्लाइंडनेस इज द करेक्ट आंसर. सो आई विल जस्ट राइट ओवर हियर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विटामिन डी डेफिशिएंसी के वजह से कौन सा सिकनेस होता है? दैट इज रिकेट्स. नेक्स्ट, विटामिन के वजह से कौन सा सिकनेस होता है? विटामिन के वजह से एक्सट्रीम ब्लीडिंग होता है, तो उसके वजह से अनीमिया होता है. तो बी इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट वन, बी वन विटामिन का डेफिशिएंसी से कौन सा सिकनेस होता है? बेरी बेरी. तो आंसर क्या है? ए, बेरी बेरी. अभी ये तो टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बट यू हैव स्टडीड इन योर यंगर स्टैंडर्ड. यहाँ पे खाली सिम्टम्स पूछा है, दैट इज़ पेज नंबर 17 में. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, बेरी बेरी, न्यूरोटिस, पेलागेरा, एनीमिया, स्कर्वी, एक्सेट्रा. सो दिस यू विल गेट फ्रॉम इंटरनेट, और ये ऑलरेडी यंगर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं, अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन 2A, गिव साइंटिफिक रीज़न. लेसन नंबर 2 का गिव रीज़न जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 15 में दिया हुआ है. यहाँ पे आवर मसल सेल्स ऑल्सो परफॉर्म एनरोबिक रेस्पिरेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज. ड्यू टू दिस, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड अक्यूमलेट्स, ड्यू टू विच वी फील टायर्ड. 6th, give reason, oxygen is necessary for complete oxidation of glucose. ये पेज नंबर 13, 14 और 15 में दिया. पेज नंबर 13 में ये यहाँ से लिखना है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन 3 स्टेप्स, नेमली ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं तो क्रेब्स साइकिल भी लिख सकता है, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. दस A molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecules of carbon dioxide and water are produced along with energy. ये हो गया aerobic respiration का. Anaerobic respiration का next page में दिया है. However, glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in anaerobic respiration. 7th, give reason, fibers are one of the important nutrients. इसका answer जो है page number 17 में दिया है textbook का. Fibers are also essential nutrients. In fact, we cannot digest the fibers. However, they help in the digestion of other substances and ejection of undigested substances. We obtain the fibers from leafy vegetables, fruits, cereals, etc. Give reason, 8th, give reason, cell division is one of the very important properties of cells and living organism. Iska jo answer hai, page number 17 aur 19 mein diya hai. 17 mein yahan se likhna hai, cell division is one of the very important properties of cells and living organism. Due to this property, only a new organism is formed from the existing one. A multicellular organism grows up and emaciated body can be restored. Uske baad page number 19 se likhna hai.
Besides, it is necessary for wound healing, formation of blood cells, etc. Ninth, give reason some higher plants, animals and aerobic microorganism also sometimes perform anaerobic respiration. Uska answer page number 15 mein diya hai. Some higher plants, animals and aerobic microorganism also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion in oxygen level in the surrounding. Example, seeds perform anaerobic respiration if the soil is submerged under water during germination. Similarly, our muscle cell also perform anaerobic respiration while performing the exercise. Give reason. 10th, give reason. Krebs cycle is also called a citric acid cycle. Iska answer kya hai? Acetyl coenzyme A enters mitochondria to combine with oxaloacetic and form a 6-carbon compound, that is citric acid. Second point, since citric acid is a first stable compound formed, Krebs cycle is also called citric acid cycle. Question 2b, solve the following sub-questions. Lesson number 2 ka jo hai, wo question number 9 se start hota hai. Question number 9 kya diya hai? What are the main energy sources of living organism? Iska answer textbook ka page number 12 mein diya hai. Carbohydrates, fats and lipids are the main sources of energy. Question number 10, what is cellular respiration? State the name of its two methods. Iska answer jo hai, page number 13 mein diya hai. Production of energy required for daily need is obtained in the form of ATP. For this purpose, glucose, a type of carbohydrate, is oxidized step by step in the cells. This is called as cellular respiration. Cellular respiration occurs by two methods, aerobic respiration, oxygen is involved, and anaerobic respiration, oxygen is not involved. Question number 11, which molecules are formed during the glycolysis process? Iska answer textbook ka page number 13 mein diya hai. A molecule of glucose is oxidized step by step in glycolysis process, and two molecules of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2 and water, are formed. Question number 12, which molecules are formed after whole oxidation of acetyl coenzyme A? Iska answer page number 13 mein diya hai. In cyclic chain of reaction called as tricarboxylic acid cycle, acetyl part of acetyl coenzyme A is completely oxidized and molecules of carbon dioxide, H2O, NADH2, FADH2 are derived. Question number 13, which amino acids are obtained after digestion of proteins? Iska jo answer hai, ye hai. 20 amino acids are obtained after digestion of proteins. They are as follows. To ye 20 amino acids ka naam hai. Ye textbook mein nahi diya hai. Net se mil jayega. Nahi to you can copy from here and write down. Question number 14, explain the use of fatty acid. Iska jo answer hai, textbook ka page number 16 mein diya hua hai. From here you have to write, from fatty acids, different cells produce various substances necessary to themselves. Example, the molecules called as phospholipids, which are essential for producing plasma membrane. Beside, fatty acids are used for producing hormones like progesterone, estrogen, testosterone, aldosterone, etc. and the covering around the axon of nerve cells. Question number 15, what are vitamins? Uske baad aur ek question hai, state its two groups and six types. So what are vitamins? Oh, page number 17 mein diya hua hai. Vitamins are a group of heterogeneous compounds of which each is essential for proper operation of various processes in the body. Uske baad un log ne pucha hai, state its two groups. So yahan pe two groups hai, do groups kya hai? Vitamin A, D, E and K are fat soluble, whereas vitamin B and C are water soluble. तो ये है दो types of groups. उसके बाद उन लोग ने पूछा, and six types of vitamins. So six types of vitamins क्या है? There are main six types of vitamins. Example A, B, C, D, E and K. Explain, question number 16, explain the advantages of cell division to your friend. वो page number 17 और 19 में दिया हुआ है.
So cell division is one of the very important properties of cells and living organism. Due to this property only ko cut karo aur wahan pe likho from cell division. From cell division a new organism is formed from the existing one. Fir full stop dalo. Fir next sentence a multicellular organism grows up and emaciated body can be restored by cell division. Uska next point page number 19 mein diya hua hai yahan pe. Besides a cell division is necessary for wound healing, formation of blood cells, etc. Question number 17. Explain the following figure. तो ये figure दिया हुआ है, इसे explain करना है. ये figure जो है वो page number 19 में दिया है. Same figure it is, both of them. तो ये what is this figure? This figure is about cytokinesis. So here I've written the following figure is about cytokinesis. और इसका explanation नीचे दिया है. The cytoplasm divides by cytokinesis and two new cells are formed, which are called as daughter cells. In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell, which deepens gradually and thereby two new cells are formed. Lesson number 2 का question answer यहाँ तक ही है, question number 18 तक ही है. Question number 18 क्या दिया है? State the characteristics of step of cell division shown in the figure. तो ये जो figure में जो दिया है, उसका steps लिखना है. ये figure कौन सा है? If you see, in page number 19 में ये वाला figure दिया हुआ है, that is anaphase 1 of meiosis. तो anaphase 1 of meiosis है. अभी इसका explanation लिखना है. इसका explanation क्या है? First point तो ये लिखना है कि the given figure is anaphase 1 of meiosis. Second point है, during anaphase 1 of meiosis, the spindle fibers elongate, which pull the individual chromosomes, each having two chromatids towards their respective poles. Question 2b, 2, that is write short notes. Lesson number 2 ka short note jo hai, second, third or fourth hai. Second, kiske bare mein short note likhna hai? Energy currency. This is given in page number 14, in this green box. Energy currency in human cell is ATP. Adenosine triphosphate is energy rich molecule and energy is stored in the bonds by which phosphate groups are attached to each other. These molecules are stored in the cells as per need. Chemically, ATP is triphosphate molecules formed from adenosine ribonucleoside. It contains a nitrogenous compound adenine, pentose sugar ribose and three phosphate groups. As per the need, energy is derived by breaking the phosphate bond of ATP. Hence, ATP is called as energy currency of the cell. Question number 3, write short note on which topic? Coenzymes. So, iska answer kya hai? First point, the main function of the coenzyme is to act as an intermediate carrier of transferred electrons or functional groups in a reaction. Second point, examples of coenzymes are NAD, nicotinamide adenine dinucleotide, and FAD, flavin adenine dinucleotide. Third point, both coenzymes are formed in the cells and used in cellular respiration. Abhi ye second or third point jo hai, wo page number 14 mein diya hai. You can see over here, page number 14 mein, ye jo always remember mein jo diya hai, wo second or third point yahan se liya hai. और फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट ऑन योर ओन. तो फर्स्ट पॉइंट खुद से लिखना है, सेकंड और थर्ड पॉइंट कहाँ पे है? पेज नंबर 14, ऑलवेज रिमेंबर, लेफ्ट हैंड साइड कॉलम में पिंक बॉक्स में दिया हुआ है. फ्रॉम देयर यू हैव टू राइट डाउन दीज टू पॉइंट्स. लेसन नंबर 2 का जो शॉर्ट नोट है, क्वेश्चन नंबर 4 तक है. क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो उसका आंसर है, द मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ डिप्लॉइड सेल आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अ ह्यूमन सेल्स न्यूक्लियस हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज देयर आर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. 22 pairs of autosomes are homologous chromosome. In female, the sex chromosome XX are homologous chromosomes and XY in male is not homologous chromosomes. Question 3, answer the following questions aur iske under question number 12 tak lesson number 1 ka tha. Question number 13 onwards jo hai wo lesson number 2 ka hai. Question number 13 kya diya? Identify the given reaction and explain it. To ye diagram diya hua hai. Agar ye diagram dekhenge to textbook ka page number 14 mein diya hua hai. This is a diagram which is given over there. You have to identify the given reaction and explain it also. To reaction kya hai wo bhi batana hai aur explain bhi karna hai. So what is the reaction? The given reaction is conversion of ATP to ADP.
नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन बॉक्स में, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय विच द फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच टू ईच. यहाँ पे जो ये जो फिगर दिया है दैट इज़ एटीपी, दैट इज़ एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट का फिगर है ये, और इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप्स है ये तीनों भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, और ये जो बॉन्ड्स है जिसके साथ ये अटैच्ड है इसमें बहुत एनर्जी रहता है, इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन दिस बॉन्ड्स. अभी इसमें तीन फॉस्फेट है इसके लिए इसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. नेक्स्ट केमिकली ATP is triphosphate molecule formed from adenosine ribonucleoside. It contains a nitrogenous compound adenine, pentose sugar ribose and three phosphate groups. As per the need, energy is derived by breaking the phosphate bond of ATP. End में ये लिखना है, when one phosphate group is removed by breaking a bond, energy is released and ATP is converted टू एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ADP. आई रिपीट द लास्ट स्टेटमेंट क्या है, वैन वन फॉस्फेट ग्रुप इज रिमूव बाय ब्रेकिंग अ बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड एंड ATP इज कन्वर्टेड टू एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ADP. अभी इसका पूरा का मतलब क्या है, केमिकली ATP इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडिनोसाइन राइबो न्यूक्लियोसाइड, इट कंटेन्स अ नाइट्रोजनस कंपाउंड एडिनाइन. तो ये जो स्ट्रक्चर में ये जो ब्लू कलर में दिखा है दैट इज़ अ नाइट्रोजनस कंपाउंड, इसे क्या कहते हैं एडिनाइन. उसके बाद क्या दिया है पेंटोस शुगर राइबोस, इसके नीचे जो पिंक कलर दिया है ये पेंटोस शुगर है, इसका शेप दिखेगा तो पेंटागॉन जैसा है, तो ये पेंटोस शुगर को क्या बोलते हैं राइबोस, और इसमें थ्री फॉस्फेट ग्रुप है जो एक दूसरे के साथ अटैच है बाय बॉन्ड्स एंड द बॉन्ड इज रिच इन एनर्जी. अभी जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉडी को, जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड है तो एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और इस तरह बॉडी को एनर्जी मिलता है. सो व्हेन वन फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक्स अप, यू कैन सी ओवर हियर एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया है. अभी ये जो स्ट्रक्चर है सेम ही है, सिर्फ इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप कम है, इसमें दो ही फॉस्फेट ग्रुप है, इसके लिए इसको क्या कहते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. डाइफॉस्फेट का मतलब क्या है, दो फॉस्फेट ग्रुप. यहाँ पे थ्री फॉस्फेट ग्रुप था इसके लिए इसका नाम क्या था एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. ट्राईफॉस्फेट का मतलब थ्री फॉस्फेट ग्रुप इज देयर. अभी ये जो फॉस्फेट ग्रुप जो अलग हुआ है बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो वॉट एवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी वी गेट इट फ्रॉम हियर, और इस तरह एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट गेट्स कन्वर्टेड इंटू एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट. 14th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ये पेज नंबर 13 में दिया हुआ है, यहाँ पे है. सो ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म और मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाई स्टेप इन दिस प्रोसेस एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच दैट इज पायरोविक एसिड ATP NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म्ड. मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो यहाँ तक लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसका आंसर जो है पेज नंबर 15 में दिया है. ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर टू स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे एमिनो एसिड्स दिया है, उसे कट करके प्रोटीन्स लिखना है. तो क्वेश्चन क्या है, विच सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड हाउ आर दे यूटिलाइज. तो प्रोटीन्स डाइजेस्ट करने के बाद कौन सा सब्सटेंस मिलता है और वो कैसे यूज़ किया जाता है, उसका जो आंसर है वो पेज नंबर 16 में दिया हुआ है. तो आंसर क्या है, एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स और कैसे यूटिलाइज किया जाता है. From these amino acids, organs and cells produce various proteins necessary for themselves and the whole body. They are, अभी ये डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, they are के बाद first लिख के लिखना skin, that is skin, और फिर dash डालना melanin, keratin, फिर next second में लिखना bones, ocean, third one cells, various proteins of cell membrane and various enzyme, फिर next आएगा pancreas, insulin, trypsin, और नेक्स्ट आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वेरियस हॉर्मोन्स, नेक्स्ट आएगा मसल्स, उसमें आएगा एक्टिन एंड मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स, और नेक्स्ट आएगा ब्लड, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज. डैश नहीं लिखना होता, ऐसा दो डॉट लिख के फिर उसके बाजू में इन एमिनो एसिड्स का नाम लिखना है.
क्वेश्चन नंबर 17, विच हॉर्मोन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फैटी एसिड, तो उसका आंसर पेज नंबर 16 में दिया हुआ है. सिर्फ हॉर्मोन्स का नाम लिखना है. तो फैटी एसिड्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 18, वाई इज़ वाटर एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, इसका जो आंसर है पेज नंबर 17 में दिया हुआ है. There is about 65 to 70% water in our body. Each cell contains 70% water weight by weight. Blood plasma also contains 90% of water. Functioning of cells and thereby whole body gets disturbed even if there is a little loss of water from the body. Hence, water is an essential nutrient. तो यहाँ तक उसका answer है. Question number 19, write the importance of fibers in our diet. इसका जो answer है वो भी page number 17 में है. यहाँ से fibers are also essential nutrients. In fact, we cannot digest the fibers. However, they help in the digestion of other substance and nutrition of undigested substance. We obtain the fibers from leafy vegetables, fruits, cereals, etc. लेसन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है इट इज़ अप टू 20. क्वेश्चन नंबर 20 का है कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप. तो ये मैप दिया हुआ है, डायग्राम दिया है, कोई कोई प्लेस जो है ब्लैंक है उसे फिल करना है. ये जो डायग्राम है वो पेज नंबर 16 में द सेम डायग्राम इज गिवन. अभी मिसिंग कौन सा है, ब्लैंक स्पेसेस कहाँ पे दिया है, यहाँ पे बोन्स OCN लिखना है. और फिर यहाँ पे दिया है ब्लैंक स्पेस दैट यू हैव टू फिल इट अप, पैंक्रियास, उधर क्या आएगा इंसुलिन ट्रिप्सिन, और ये भी ब्लैंक स्पेस दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा मसल्स, एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स. आई हैव रिटन ओवर हियर, यू कैन सी बोन्स, यहाँ पे क्या आएगा बोन्स OCN, यहाँ पे क्या आएगा पैंक्रियास इंसुलिन ट्रिप्सिन, और यहाँ पे क्या आएगा मसल्स, एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स. क्वेश्चन 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये लेसन नंबर 2 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लेसन नंबर 2 से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नेम्स FAD, FMN, NAD, NADP, ATP. ये जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक में भी दिया है पेज नंबर 17 में, इंटरनेट इज माई फ्रेंड, उसमें भी पूछा है फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ FAD, FMN, NAD एंड NADP. अभी इसका जो आंसर क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नेम्स FAD, FMN, NAD, NADP, ATP, RS follows. FAD का फुल फॉर्म क्या है, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. FMN का फुल फॉर्म क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. NAD का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. NADP का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. और ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. अभी NAD और FAD और ATP ये तीनों जो है वो पेज नंबर 14 में दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म. बाकी दोनों यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट. अभी लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में से ये लास्ट क्वेश्चन था. इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेसन करेगा, लेसन नंबर 3.